हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ दीपाली ऑफिशियल चैनल। तो आज की वीडियो है बेस्ट मेडिसिनल प्लांट्स। जी हाँ, आपके घर में ही हमारे इर्द गिर्द इतने प्लांट्स हैं जो आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस देते हैं आपके लाइफ को। जो आप लोग इतने इतने लाखों के इंश्योरेंस करवाते हो उसका ये गारंटी प्रूफ, मतलब वो अगर कहते हैं ना कि हम हर महीने आगे आपका चेकअप करेंगे या 3 मंथ बाद चेकअप होता है कि आप ठीक हो या नहीं, ये लाइफ टाइम गारंटी वारंटी है कि आपको कुछ नहीं होने देंगे ये लोग। ये इतने बेस्ट मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेरे घर में जितने हैं मैं उतने आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ आप पॉट्स में लगा सकते हो, कुछ आप गार्डन में लगा सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो है ये मेरा तुलसी। देखिए तुलसी प्लांट, ये कई तरह की होती है। मेरे को तो दो तीन के नाम पता है, रामा श्यामा वनस्य। ये तीन के तो पता है कि एक तो मीठी वाली होती है, एक रामा श्यामा, ये दोनों हैं इसमें। ये इसलिए इसको कहते हैं ऐसे, ये मेरे फेवरेट है। बिकॉज ऑफ बुखार हो तुलसी खाओ, तुलसी खाओ नहीं मतलब इसे खाना नहीं है, पत्ते मत चबाना कभी भी क्योंकि इससे आपके दांत टूट सकते हैं। जी हाँ, आप जितना इसको चबाओगे आपके दांत उतने कमज़ोर होंगे। इसको चबाना नहीं है, इसको क्रश करिए। क्रश करने के बाद पानी में उबालिए, फिर खाइए, फिर पिए इसको। जैसे थोड़ा सा पत्ता नॉर्मल सा नहीं हो जाता, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, ताकि आप इसे निगल सकें। तो ये तुलसी प्लांट जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। बहुत सारी बुखार हो तो तुलसी, स्किन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, कुछ भी हो, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी सब कुछ इस तुलसी में है। तो ये तो आप लोगों के घर में होनी ही चाहिए। ये एक तुलसी आपके, मतलब कह रहे हो, पूरे घर की वाइब्रेशंस को बदलती है। वाइब्रेशन इन द सेंस कि नेगेटिविटी को दूर करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, पोल्यूशन को दूर करती है, बीमारियों से दूर रखती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, तुलसी के ऊपर कभी मच्छर नहीं आता। आप सोचिए कि इसकी वाइब्रेशन कितनी ज़बरदस्त है कि इसके ऊपर मच्छर नहीं बैठ सकता। तुलसी जहाँ पे होती है वहाँ मच्छर नहीं आते। तो आप लोगों के घर में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। अगर मच्छर नहीं आएंगे तो डेंगू मलेरिया इससे तो आप पहले से ही दूर हो जाओगे। इसलिए हमारे इतने पुराने टाइम से तुलसी को इतनी मान्यता दी गई है। तो आप लोगों के घर में ज़रूर होनी चाहिए। ये आप माइंड से निकाल दिए हमने नहा के पानी डालना, हमने ये करना, वो आपके अंदर की है, आप अंदर क्या फील करते हो। अदरवाइज एज अ मेडिसिन देखोगे अपने घर में ज़रूर लगाओ, चाहे आप कोई भी रिलीजियस के हो, एज अ मेडिसिनल प्लांट लगा लो। अपने आप अटैचमेंट हो जाएगी, अपने आप लोग फिर वो चीज़ें करोगे जो करनी चाहिए इसके साथ। तो पहला प्लांट है तुलसी प्लांट। और दूसरा प्लांट जो है वो है ये मेरा, इसको कहते हैं कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी में नहीं डालने के लिए इसलिए ये नाम नहीं है। कड़ी में भी डलता है, हर एक सब्जी में डल सकता है। ये मैंने इस तरह एक ही पॉट में बहुत सारे हैं। ये मेरा चाइनीज़ मनी प्लांट है, इसका अगर एक पत्ता भी लगा दो तो भी ये ग्रो करता रहता है। ये फ्लावर का प्लांट है, ये है कड़ी पत्ता, मैंने इधर लगाया हुआ। ये इतने में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और अगर बड़ा होगा तो मेरे पास बाहर जगह है, मैं वहाँ पर लगा लूँगी। अदरवाइज़ आप इसको गमले में भी लगा सकते हो। गमले में ये 2 फीट तक तो आराम से हो जाएगा, 2-3, तो आप तब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों के घर में ज़रूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कड़ी पत्ता बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता। सबसे बड़ी बात, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो आपकी बॉडी वैसे ही बड़ी हेल्दी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहेगा, हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी। तो कड़ी पत्ता आपको खाना भी चाहिए, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ऐसे कुछ पत्ते लो, मुँह धो, चबाओ, इसको आप चबा सकते हो। सिर्फ तुलसी है उसको नहीं चबाना, अदरवाइज़ बाकी सारे प्लांट्स को, आप जो मेडिसिनल प्लांट है उसको चबा सकते हो। तो ये कड़ी पत्ता बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको बहुत बुरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, नॉकआउट करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो कड़ी पत्ता भी आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बालों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, फेस के लिए बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। पहली बार मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नेचुरल चीज़ों से कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। तो ये कड़ी पत्ता आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ये था सेकंड प्लांट। थर्ड प्लांट जो मेरा है, ये मेरे दही वाले कप में लगाया हुआ है, इसे कहते हैं पत्थर चट। ये बेस्टेस्ट, ये चैलेंज है, वीडियो में चैलेंज है। ये जो पत्थर चट है, ये नाम से ही आपको थोड़ा सा इंडिकेशन लग गया होगा किसी भी बीमारी के लिए। किसी के अगर किडनी वगैरह में स्टोन हो, जिसे कहते हैं ना पत्थरी पड़ गई है, स्टोन प्रॉब्लम है, इस पत्ते से सीरियसली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो स्टोन, अपने आप बॉडी से रिलीज हो जाएगा, बाय ऑफ यूरिन, बाय ऑफ योर
एक्स्ट्रा वेस्टेज ये एकदम से रिलीज कर देता है, इसीलिए इसका नाम पत्थर चट्टा है। और ये आप ऐसे एक पत्ता भी लगा दोगे तो भी, ये सिर्फ पत्ता लगा दो उससे भी हो जाता है, तो ये पत्थरी नहीं होने देता। ये स्टोन के लिए बेस्ट रेमेडी है, बेस्टेस्ट रेमेडी है। ये तो आप लोगों के घर में होना चाहिए। इसी तरह एक दही का कप लीजिए, उसमें पत्ता लगा लीजिए, अपने आप उससे एक नहीं 3-4 पौधे निकलेंगे। ये इतना बेनिफिशियल है। और मेडिसिनल प्लांट की एक क्वालिटी है, ये ज़्यादा केयर नहीं मांगते। नेचर ने हमें बाय वो कहते हैं ना गॉड गिफ्ट दिया हुआ है कि आप लोगों को इसकी केयर नहीं करनी, बस रिस्पेक्ट करनी है और इसको यूज़ करना है सही तरीके से। क्योंकि इतने सारे मेडिसिन लेते हैं, इतनी महंगी महंगी स्टोन का ऑपरेशन होता है, ये होता है, ज़रूरी नहीं जिनको है वो ही खा सकते हैं। आपको वैसे भी खाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम कभी आए ना। तो ये है पत्थर चट, ये आप लोग के घर में ज़रूर होना चाहिए। और नेक्स्ट है मेरा एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा प्लांट, ये तो आपके घर में गार्डन में ज़रूर होना ही चाहिए। इसके तो आपको पता है, किसी को अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, एलोवेरा को काटो, एकदम से नहीं खाना। एलोवेरा जैसे काटी, इसको ऐसे उल्टा करके रख देना ताकि उसके अंदर से ना, इसके अंदर पॉइजन होती है, ताकि क्योंकि जंगलों में होते हैं ये सारे प्लांट्स, ताकि इनको बाकी जानवर कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो इसीलिए इसको पहले ऐसे उल्टा करके रखना, इसमें से येलो येलो कुछ निकले, येलो वाइट जैसा कुछ चिपचिपा सा, वो उस वो होता है इसका पॉइजन। तो उसको पहले निकलने देना है, उसके बाद इसको ऐसे क्रश करो, इसके अंदर जेल वगैरह निकलती है, वो फेस पे लगाओ। आप खा सकते हैं, आप बालों के लिए लगा सकते हैं, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, ओवरऑल बेस्ट रेमेडी। तो ये तो आप लोगों के घर में ज़रूर होनी चाहिए एलोवेरा। किसी तरह भी नॉर्मल, कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी पॉट में लगा लो, बस छोड़ दो, उसके बाद एक के बाद कितनी सारी हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मेरी है वो है वन ऑफ माई फेवरेट, मिंट पुदीना। क्या स्मेल है पुदीना के, क्या बताऊँ। गर्मियों में होता है, सब सीजनल प्लांट है। भगवान ने अगर गर्मी दिया तो उसके ऑपोजिट उसकी रेमेडी भी दी है। ये सबको, ये तो अब प्रूफ करने की बात है ही नहीं है। गर्मी आती तभी पुदीना आ जाता है, सर्दियों में पुदीना बहुत कम मिलता है। ये बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा। आप इसे एज अ स्कंजमी के साथ यूज़ करो, चटनी बना के यूज़ करो, डाइजेशन के लिए बेस्ट है, आपके हार्मोन के लिए बहुत बेस्ट है, ब्लड साफ़ करता है, बेस्ट रेमेडी, बेस्ट। जिसे बोलते हैं ना, दांतों को भी साफ़ करता है, वाइट करता है दांत, जिनके ब्लैक है दांत, देखा चीटे चीटे तो आप लोग एकदम इसे घर में लगा सकते हैं। इसको इस तरह से अगर तोड़ा, ये मैंने इस तरह से तोड़ा, कोई पत्ता नहीं उतार रहा, कुछ नहीं उतार रहा, इसको बस एज इट इज एज ए लगा दिया। ये इसमें ये मैंने लगा दिया, बस इसी से ही ग्रोथ होता रहता है। ये एक ही लगाया था, एक से कितने सारे हो गए और कितनी बड़ी ग्रोथ है मेरे प्लांट। ये देखो मेडिसिनल प्लांट, देखो मैं बड़े पॉट में नहीं लगाया, ये छोटे छोटे पॉट होते हैं, छोटे में ही इतना ग्रो कर जाते हैं कि मैं काट काट के थक जाती हूँ और ये बढ़ने से नहीं हटते। तो ये तो आप लोगों के घर में ज़रूर होना चाहिए। इस पे भी मक्खी मच्छर नहीं आता, बहुत रियर केस है अगर कहीं दिखने को मिल जाए। अदरवाइज इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, कितनी फ्रेश एयर देते हैं। और उसके बाद ये आपके डाइजेशन को तो बेस्ट करते ही हैं, चटनी के लिए, चाहे आप, टेस्ट बेस्ट है इसका, बेस्ट। जिसको बोलते हैं ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक या स्नैक टाइम के टाइम इसको पिया करो। पानी में नॉर्मल बॉटल में डाल लो, तुलसी डाल लो, इसके पत्ते डाल लो, एक कड़ी पत्ता डाल लो, बस रख, रात को रख लो बॉटल में, सुबह उस पानी को पियो, तो क्या टेस्ट आता है जबरदस्त। साथ में थोड़ा सा नमक हो जाए, खट्टा खट्टा, बहुत बहुत टेस्टी होता है, बहुत बेस्ट टेस्ट का टेस्ट, और बॉडी हेल्दी। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है, इसका मैं बना नहीं पाई एक्चुअली, ये मैं इसका थोड़ा सा पत्ता लेके आई हूँ, है नीम, बेस्ट जिसे कहते हैं ना, इसको तो मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि 75% जो एटमॉस्फेयर साफ करती है वो नीम है। अगर 100% वो कहते हैं ना पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो 75% नीम देती है। तो नीम और बरगद और ये पीपल, ये तीन पेड़ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो नीम है, मैजिकल, कड़वी जितनी उतने गुण। ये पर आपको अगर एक दो बार खाओगे तो बस दो बार खाओ, उस दो बार खाने से ही आपका ब्लड साफ हो जाता है। आपके दांतों में अगर ब्लैकनेस है तो इसके जो होती हैं दांतल बोलते हैं इसको, जो ऐसे पत्ते निकाल देते हैं जो बचती है डंडी सी, उससे आप दांत साफ़ कर सकते हो। दांत कभी नहीं टूटेंगे, दांतों की गारंटी। चबाते हो आपका खून बिल्कुल साफ़ रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा,
फेस पे लगाती हो आपको कभी पिंपल प्रॉब्लम नहीं हो गए, एक्ने प्रॉब्लम दूर हो गई, बालों पे लगाती हो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बालों की। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं अपने पे कर रही हूँ। पहले मेरे बाल बहुत छोटे थे, मैंने कटिंग करवा लिया, अब मेरे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं, तो जब पूरे जितने मैं चाहती हूँ उतने हो जाएंगे, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कैसे मैंने ग्रोथ की है। पर तब तक के लिए ये नीम का पेड़, पहले ये पॉट में था फिर हमने बाहर लगा दिया, अब इतना बड़ा पेड़ हो चुका है ना आप मान नहीं सकते। बस 2-4 दिन में इसको केयर करनी पड़ती है इसके। मेरा पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, उस पर फल लगते हैं, वो फल अब जब गार्डन में गिरते हैं तो मेरे एटलीस्ट 100 आगे छोटे छोटे ना इसके पौधे हो जाते हैं, तो मैं लगा लगा के थक जाती पर वो बढ़ने से नहीं थकते। अभी भी मेरे क्यारी में 5-6 नीम के पौधे लगे हुए हैं, जो कि मैं एज अ डोनेट कर देती हूँ, किसी को अगर चाहिए तो मेरे क्यारी से आके लेके जा सकता है। तो ये आप लगा सकते हो अपने घर में, कोई केयर नहीं है, पानी की देने की जरूरत नहीं, बस 2-4 दिन इसको स्टार्टिंग में जब लगाते हो, तो क्योंकि प्लांट शॉक में हो जाता है तो इसलिए वो एकदम से मुरझा जाता है, तो आपको इसको 2-4 दिन केयर करनी पड़ती है, उसके बाद छोड़ दो बस, फिर ये अपने आप ग्रोथ होती रहेगी इसकी, अपने आप बढ़ता जाता है। और आप मानेंगे नहीं, इस टाइम ये मई का महीना है, बिकॉज ऑफ नॉट अ लॉकडाउन की पोल्यूशन कम हो गया, तो वो भी हुआ है, बट बाहर अगर 33 डिग्री सेल्सियस है तो मेरे घर का टेम्परेचर 25 होता है बिकॉज ऑफ नीम प्लांट। एकदम घर के क्यारी में लगा है, उसकी छाँव से मेरे घर में बहुत ही कम गर्मी होती है। मेरे को हमारे घर में एसी नहीं लगा और इस टाइम एसी वाली फीलिंग है, और फैन सिर्फ 1 की स्पीड पे चल रहा है, मतलब 1 नंबर पे जो होता है, तो 1 नंबर पे चल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फुल पे कर दूँ तो हमें मतलब चादर वगैरह लेने की ज़रूरत पड़े, इतना ठंडा करता है। तो एक पेड़ के आपको कितने फ़ायदे हैं, ये पेड़ मैंने नहीं लगाया था, मेरे मम्मा ने लगाया था, तो उसका एडवांटेज अब मुझे हो रहा है। और ये पेड़ इतने सारे जो पंछी वगैरह होते हैं उनको जगह देता है, इतनी ऑक्सीजन देता है, इतने सारे फायदे, तो इनको काटना क्यों है, इनको लगाना चाहिए, काटो मत, लगाओ। और नेक्स्ट जो है वो भी मैं इसका पत्ता ही लाई हूँ, बिल पत्तर जो शिवलिंग पे चढ़ता है। जी हाँ, बेस्ट रेमेडी है शुगर कंट्रोल के लिए। जी हाँ, जो आजकल सबसे ज़्यादा फेमस बीमारियाँ जो हैं उनके बारे में ज़्यादा बता रही हूँ, फेमस बीमारी जो है बिल पत्तर उस बीमारी को ख़त्म कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है शुगर के पेशेंट्स के लिए बिल पत्तर मैजिकल रेमेडी है। ये एक पत्ता है, एक पत्ता और लो, 3 पत्ते लो, क्रश करो, खा जाओ, निकल जाओ। दवाई भी तो इतनी कड़वी खाते हो, शुगर वाले पेशेंट्स को इतनी गंदी मेडिसिन होती हैं अंदर ही, उनको ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होने लग जाती है कि इतनी स्ट्रांग मेडिसिन होती हैं, बट ये खाओ रिलैक्स फील देता है, आपकी शुगर कंट्रोल करता है, शुगर होने नहीं देता। अगर किसी की बड़ी हो तो नॉर्मल एकदम, इसको पता क्या करना है बॉडी में, ज़्यादा है तो कम कर देगा, कम है तो प्रॉपर कर देगा, इसको पता क्या करना है। तो ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अभी इसके पत्ते इसलिए इस तरह के मैं तोड़ के लाई हूँ और गर्मी का सीज़न है, अदरवाइज़ ये बहुत खिले हुए होते हैं ऐसे ही, इसी तरह से लगते हैं, ये 2 और ये 1 ऊपर को। बस इसको आप घर में ज़रूर लगाओ, घर के अंदर मत लगाओ क्योंकि कांटे होते हैं, बच्चों वगैरह को लग सकते हैं, तो आप क्यारी में बाहर लगा दो। पेड़ों को हमेशा उनकी जगह पर रखना चाहिए, जो घर में पॉट्स में लग सकते हैं उन्हें लगाओ, अदरवाइज़ गार्डन है अगर नहीं है तो बना लो, बन जाएगा। थोड़ी सी जगह, इतनी सी जगह पेड़ लेता है, इतनी सी उसकी होती है, बाकी ऊपर फैलता है, तो आप इतनी सी जगह तो दे ही सकते हो अपने घर में, तो ये ज़रूर लगाओ। और इसी के साथ अगर आप ये लगा दो, ये मैंने पहले भी बताया था, बेस्ट इम्यूनिटी, ये है ग्लो की वेल, इसके साथ लगा दो, बस इतनी सी ऐसे लगा दो, लिपटती जाएगी और ऊपर बढ़ती जाएगी, बेस्ट है, बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, और हाँ, इस सबको अपने घर में ज़रूर लगाइए और ज़रूर अपनी बॉडी पे ट्राई करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिस तरह मैंने बोला है उसी तरह करना, अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन मत करना कि कड़ी पत्ते के साथ हम बिल पत्तर खा लें, ऐसा भी नहीं खाना, जो जिसके साथ, जैसे पुदीने के साथ तुलसी कंपैटिबल है, कड़ी पत्ता कंपैटिबल है, ये पत्थर चढ़ अकेला होना चाहिए, एलोवेरा अकेली खाओ, इसके साथ कुछ मत खाओ, नीम के साथ कंपैटिबल है तो आप ये खा सकते हो, गर्म पानी के साथ ले सकते हो, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड थैंक यू, आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। टाटा।